नरेंद्र तोमर देश का कृषि मंत्री है, पर सुनामी यही है कांग्रेस का पक्ष की। उनका भी झुकी जो पार्टी ने विधायक बनाने का लिए, कहा देश की बात करनी, कहा विदेश से तकनीक लानी, कहा कृषि की उन्नति की बात करनी, कहा दिल्ली से लगे पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर पर ग्राफ कैसा बड़ा भारत। उनके बाद 6 महीना तक बंद और नेताजी लगी है चुनाव में, यानी सुनामी यही भी रोकने की कोशिश। आप कृषि मंत्री जी आए तो हमें जो ये बताया हो कि 3 काला कानून किसान ना का खिलाफ में आया था, वो तो खूब वकालत करी और नरी नरी मीटिंग ना करी, नरी नरी बार टीवी में बात करी और फिर आखिरी में 1 साल बाद 700 किसान ना को मोदी जी का बाद मोदी जी का सुध गई किंदर जिंदर सिख ना तो एक बहुत बड़ो पर्व थो इंदर कि अब पछे पग रखना पड़ेगा। शिवराज जी ने एक पवित्र विचार देश में दिया कि किसान की आज दुगनी होनी चाहिए और हर बार यो क्यों कि वो किसान पुत्र है, किसान मारो भगवान है, किसान ना का लिए कहीं करी गुजरू तो मारो मुख्यमंत्री बन को साथ थकी जाए, कहीं कहीं नहीं बोलिया कभी यहां मुद्दे में जाओ तो फार्म हाउस में आई जाएगा कि मैंने टमाटर 3 लाख रुपए एकड़ के कर दिए हैं, कभी फूल मेरे ऐसे बिक रहे हैं, कभी मेरा दूध महंगा बिक रहा है, कहीं कोई बात नहीं करा। फूल इनका महंगा, दूध इनको महंगो, टमाटर इनका महंगा और बाकी सबका बाकी का धान मंजीरा बाजी के। बात यह है कि शिवराज जी ना जिला का सबसे ज्यादा अगर उन्नति को कहीं असर होना चाहिए तो सीवर में होना चाहिए, बुद्धि में होना चाहिए, इच्छा में होना चाहिए। कई हालात है, तुमने 10 साल में क्योंकि किसान ना के आए दूध नहीं कराएगा, तुमने यूरिया का भाव डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जो 300 था भी 1300 कर दिया, डीएपी का भाव जो 700 था वो 1700 कर दिया, जो डीजल 60 रुपया को तो 100 रुपया कर दो, जो बिजली जो किसान के चाहती थी दिग्विजय सिंह का राज में घिरी थी उसका 7-7 हजार का स्थायी अस्थायी कनेक्शन ना कर दिया, तुमने कई कसर छोड़ी। अभी लसन जब बीज को बोए 10,000, 15,000, 12,000 मिल और जब अप्रूव बेचनु हो तो 3,000, 4,000। अरे कांग्रेस की सरकार थी तो 7,000 तक सोयाबीन को भाव चली गया, तो गया तो मिल गया और आज 3,000 ही को इकाली दोषी कौन है। कई कारण है कि तुमने कहो कि हूँ किसान क्या है दुगुनी करूंगा, तो शिवराज जी विधानसभा में ऐसे बैठा था सामने, मैंने कहो कि शिवराज जी छोड़ दो कांग्रेस में छोड़ दो पक्ष विपक्ष सब एक होते हैं मिलके। आपने 1 लाख बार देश में कहा, प्रदेश में कहा, अलग अलग जगह कहा किसान क्या है दुगुनी करना है, हुई नहीं। तो हम सब मिलकर किसान के अनाज के भाव 3,000 रुपया कुंटल कर दे, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो, पक्ष विपक्ष नहीं हो, हम आपके साथ हैं। शिवराज जी नीचे से मुंडो ले जाता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता जी, समझ छोटी बात पर नहीं हो सकता। वोट का लिए लाडली बहना का तो 1,000 भी सकते हो, किसान को 3,000 दे सकते हो, सही है कि नहीं। तो या जो बात है और तो नहीं हो। फिर मैंने बीजेपी के जितने मंत्री और विधायक के भी करण सिंह जी भी बैठे थे उस दिन, सब त्वचा गज भरा था सदन। मैंने कहा छोड़ो मुख्यमंत्री जी की अपनी भावना हो सकती है, हम मिलकर एक प्रस्ताव पास कर तो सरकार को दबाव बनेगा, हम सब मिलकर किसानों के अनाज का भाव गेहूं का भाव 3,000। तो कांग्रेस के पक्ष के तो सब तैयार थे, वीडियो आए तो देखो ना, हम लोग कितना ने देखो हाथ उठो, सब ने देखे मैंने तो उन्हें वीडियो में भावना असित थी जैसे मैंने बताएंगे अलग थी। मैंने जो तो घर घर पहुंचो पाया भाव, अगर तुम किसान ना का 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव को विरोध करूंगा, बीजेपी का विधायक ना तो मंत्री ना तो घर घर वीडियो पहुंचाऊंगा, पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। अब ये जब लोग आए तो इनसे पूछो तो सही कि भैया तू किसान का वोट से नेता बना, किसान का वोट से विधायक बना, किसान की औलाद, किसान का लिए कई कर को थारी तू रही हो आज विधायक, कल नहीं रही तू, फिर थारी भावी पीढ़ी रहेगी, थारा बच्चा ना का पोता ना को उनके जी को असर आओगे, तो कई कारण है कि 3,000 रुपये कुंटल को तुम्हें विरोध करे। पार्टी बड़ी की किसान, पार्टी बड़ी की वोट, पार्टी बड़ी की देश, जो निर्णय उनका लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, यह बात समझ लीजिए कि नहीं समझ लीजिए। यही करण सिंह की तो टिकट खतरा में है और दूसरा
देखो सेलू है तुम पे बुरो मानो जो बने और जितना कांग्रेसी ना तुम पे भैया मानो जो बने थोड़े सच बात भी करनी पड़े। ये अंदर बैठिन करण सिंह भाव के कही कही क्या तू पटवारी एक नंबर तो है और जब वो एक भाषण ना सुनी तो मैं तो कट्टर अंदर तो बीजेपी भरी है बोले छोरो बोले बहुत अच्छे रहे। तो करण सिंह भाव से मारो अनुरोध है ये तम्बे तो नहीं तुम्हारी सरकार पे ना मुख्यमंत्री पे दबाव बनाओ तो किसान ना को विरोध तो करो भैया बाहर नहीं बढ़ो तो अंदर बढ़ो तुम्हारी टिकट तो काट दीजिए ये टेंशन लो मत थोड़ा मोटा। और दूसरी बात इतने बार से मंत्री शिवराज इनसे जूनियर पिछला 3.5 साल के लूट की सरकार बने भैया तो हमने रूटीन बनाई करण सिंह बाब तमाम मंत्री नहीं बनाएगा उनके मंत्री भी नहीं बना रहे फिर तो उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये सगड़ी बात ना आपको समझने की है बात यह है कि एक विजनरी मुख्यमंत्री एक कमलनाथ असो व्यक्तित्व जिनने जिंदगी में सगड़ा पत्ता पाई है खाली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद छोड़ आप ये देखो कि दुनिया का सब पदना पर इन सब जगह जगह काम कर रहे विजन कहीं कहीं कर गुजरने की क्षमता है अनुभव को लाभ है वे मुख्यमंत्री को कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी। और एक तरफ शिवराज जी जिनने जो थो सब दियो अब खाली एक ही भावना कर्तव्य मुख्यमंत्री बने हो कर्तव्य मारा लोग हाँ शिवराज जी सबसे अच्छा। अब देखो लाडली बहना एक दिन को भाषण सुनी लो तो आजकल शिवराज जी ऐसा मंच पर नहीं करा भाषण असो बड़ो मंच बना फिर बड़ो पांडाल बना फिर रेल को बना सब आगे भी बढ़ा देखो तुम नहीं देखो अच्छा आवाज ये नहीं है नहीं तब 75 का सो आगे तक जान फिर चलता चलता वहां चली गया आखिरी में यहीं बेनना बठी यहीं बेनना बठी और फिर आई यो सब खर्चो आवे 10 करोड़ रुपए को और भी 10 करोड़ का सा याद है कि नहीं अभी काली 1,000 करोड़ पाछा लेना है कर्जा में काल अभी पिछले हफ्ते लिया था 3,000 पूरा साल में 33,000 करोड़ रुपया खर्च और पूरा 6 साल इन 6 साल में शिवराज जी ने जितो कर्जो तो उसको सीधो डबल और कई गलेना पैसा पांडाल लगाया बहन के लाए और लाडले में भाषण दिया। अब भाषण में भी देखोगा एक दिन तो जोर जोर से चल रहे थोड़ा धैर्य रखो शिवराज मेरा सार्थक हो जाएगा मुख्यमंत्री बनना अगर तेरी बहन के लिए कुछ कर जाऊ और 1,000 रुपए एक क्लिक में 10 तारीख को डल जाए दूसरा दिन 3,000 रुपए को बिल जाजी कही जाए फिर एक दिन कही काठी का एक दो दिन पहला बहनों तुम्हारा भाई तुम्हारी राखी सूखी नहीं काट गए अभी करण सिंह बाद जब सो रहा था कहीं कहते सूखी नहीं है कहीं करो ना कहीं मालूम कहीं देगा तो बेदना है मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 1 करोड़ बेदना की राखी की फिकर उनका एक क्लिक में 250 तुम्हारा मामा खाते में डाले अभी गुलाब जामुन के भाव का भाव है 20 रुपया की एक है 400 रुपए किलो तो करण सिंह बा 250 रुपया में मीठो शक्कर की मिठाई और बीमार तो नहीं कहता के तब यहाँ 250 रुपए की मिठाई कहीं जाओ आज मतलब वोट स्वरूप कहीं कहीं नहीं करेगा बेन ना का वोट खरीदना अनमी कसर रहता है विधायक में की मंडी लगा अब मंडी लगे थी विधायक कितना कितना करोड़ रुपया में बिकेगा विधायक यार सही साथ तमाम लोग ने कहे मामले में करण सिंह बा से पूछ लो जो भी बताओगा कितना कितना महाराज से उनकी बात हुई थी तभी किरा था जी तो 50 करोड़ रुपया दी दिया है ऐसे लूट की सरकार ये अकेला में तो सब सही बात कर रहे हैं एक अच्छी बात है वे नाराज था कि लूट की सरकार से यह भी सही बात है वो हूँ सजू एकदम नाराज मत हो जाए बात है कि एकदम
महाग तो बढ़िया है क्या कहीं तो लोकल को तो वो तो लूट का सगड़ा मार का बने जा निकाल पर पार्टी में कोई विचार नहीं कोई है कि हमने जनसंघ में साथ था हमारा संघ सब बहुत जो कई तरह के शिवराज ने सत्ता से आया उनकी पक्की बात है। अब बात देखो कि 50 करोड़ रुपया में जो विधायक बिके तो 1 लाख में 2 गड्ढे 50-50 लाख तो फिर 50 करोड़ में कितनी गड्ढी अरे कितनी 10,000 गड्ढी यो दादा यो हाथों घर भरे जाए 3-4 टोपला बाहर ध्यान रखो कितनी गड्ढी उत्तम विधायक ने मिट्टी का खेल दी। अब बात क्या है कि आखिर वोट की कीमत नहीं बचेगी वोट को किस पैसा ले ली 10 करोड़ को चुनाव 15 करोड़ में ले फिर जीती और फिर भी की कहीं ऐसा विधायक तो बात इतनी है इन्हीं बात चेलुविया है ये सगड़ा भैना है इनने क्यों है कि इन्हीं बात हम कैंडिडेट घोषित करें जो यहाँ और कमलनाथ जी ने भी मके की जो कैंडिडेट घोषित करें जो वो तो कर दूंगे हाथ तो पंजो अपन कैंडिडेट है जान लगे लोग अरे जान लगे तो यह हमारी गारंटी है कि करण सिंह बाकी को मंत्री नहीं बनाया पर कांग्रेस को इच्छा उसको मंत्री ले गया यह भावना हमारी समझी लो जो अब चुनाव खाली विधायक को नहीं है जब रघुवंश इच्छा और मंत्री नहीं है तो फिर उमा मंत्री बन गया नहीं बना सो हो कुणाल तेरा नंबर लगे कि नहीं मुझे नहीं पता तो एक बात फिर से एक साथ 3,000 रुपया कुंटल का भाव करा रहा है कि नहीं करा रहा तो पंजो किसान ना की मेहनत को दाम फसल को उनका देवाड़ दू कि नहीं देवाड़ दू पंजो देख रहे कि अभी दो कितनी टोटल आबादी कितनी है अभी वोटर कितना इच्छा हो 2,22,000 जितना वोट है इच्छा हो व्यस्त लोग जो वोट डाले उत्ती बेन का तो गायब ही की मध्य प्रदेश में सब 3 साल में लाडली बहना गायब ही जो मारो आरोप नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने एनसीआरबी का अपना जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है उसका तो शिवराज जी वह बात नहीं करेगा 10 बहन की रोज इज्जत टूटी आई वह बात नहीं करेगा। एक दो दिन पहले यहाँ 12 साल की आदिवासी एसटी की बच्ची हरसपुर में रेपियों के साथ असो शामगढ़ में मंसूर में लाडली बहना का फार्म भरने का जो बहन ना को बोले उनके साथ रेप असो प्रदेश जिकमा डरी ही नहीं कानून निकालिया ही नहीं कि तुमने विधायक थे निकालिया ही नहीं कि तुम लोकतंत्र को बेचो और खरीदो निकालिया ही नहीं कि भ्रष्टाचार पर चढ़ी बोली निकालिया ही नहीं कि मुख्यमंत्री कर्जो बैंक लुटे ही है निकालिया ही नहीं कानून को डर और जब कानून को डर नहीं हो सकता है इको मतलब है कि वहां संविधान नहीं बची सकते तो संविधान बचा लू कि नहीं बचा लू ये बीजेपी का परिवार का लोग ना नफरत की बात करे घृणा की करे हिंदू और मुसलमान की करे आखिर जो देश है कि को जो देश है भगवान राम को जो देश है भगवान कृष्ण को जो पैगंबर को देश जो महावीर को देश बाबा साहब अंबेडकर को देश महात्मा गांधी को देश जो देश हम सबको है तो सबका लिए जगह एक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई आज धर्म की बात है कल जात की बात होगी कल परसों अमीर गरीब की बात होगी तो फिर देश कैसे बचे बिना देश को संविधान यो कही कि यो संविधान इना देख कौन की भी दुनिया की भगवान राम का टेम पर रामायण में जो कानून बढ़िया होगा नियम बढ़िया होगा परंपरा ना होगी रिस्पेक्ट होगो राजा का भी कर्तव्य ना होगा उस और आज तक चली होगी तो जब भगवान राम ने कानून बनाया देश चलाए अयोध्या चलाई तो आज संविधान से देश चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए तो इका जरूर इका मजबूत करने के का लिए कांग्रेस के लाड़ी बहुत जरूरी मोदी जी भिड़ गया है चकना चूर करने के लिए ना संविधान और कानून धीरे धीरे लोकतंत्र में जितनी मर्यादा ना धीरे धीरे खत्म होगी तुम्हारो सबसे अनुरोध है हर दृष्टि सब कांग्रेस आनी चाहिए पंजो आनु चाहिए एक साथ ना एक सब मिले प्रेम से प्यार से मोहब्बत से नफरत का बाजार ना मोहब्बत की दुकान खुलेगी क्यों खुलेगी खुलेगी नहीं
राहुल गांधी का भी दो तीन दिन पहला देखा तुमने, आज गया भी 11 बजे पहला दिन स्वर्ण मंदिर में पूरा दिन मांज रहा, फिर वहां लंगर चख्यो, फिर प्रार्थना करे स्वर्ण मंदिर में, फिर बर्तन की सेवा करी, बर्तन मांजा 5-4 घंटा, फिर रात को मांज रहा, सवेरे 4-3 बजे उठा, पूरा स्वर्ण मंदिर को पोछो लगाया, फिर पोछो लगाने का बाद पूरा टाइम जूता की एक सेवा हो, जो स्वर्ण मंदिर में भक्तना उनका जूता ले रखा है, अपन भी जाए ना जरा बड़ा, वो 4 घंटा तक करी, और दूसरा दिन शाम को बरोबर 48 घंटा वहां से निकले। उनका कई कई मैसेज है, जो मैसेज है कि वो देश सबको है और सब एक जैसा है, सबका खून को रंग लाल है, कोई अलग नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई बड़ो नहीं, राजा और रंग एक जगह है, जो है संविधान भारत का, जो मैसेज तुम्हारो तुम्हारा सबसे अनुरोध है कि 100% इन्हीं बार 20,000 से जीता होगा कि 25,000 से ही होगा, 25,000 अरे 20,000 से जीता होगा कि नहीं, फिर से बोलो 20 से जीता होगा कि 25 से, एक साथ बोलो यार 20 से जीता होगा कि 25 से, भारत माता की, भैया मैं आपको धन्यवाद देने के अलावा उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने पिछले 3 दिन से रात में मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं धन्यवाद। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को सीहोर के चौपाल सागर से शुरू हुई। इस उत्सवी अवसर पर आष्टा विधानसभा और इच्छावर में कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने अपने भाषण में उन्हें अतिथि शिक्षकों के मुद्दे की याद दिलाई। इसी दौरान एक महिला अतिथि शिक्षक ने भी जीतू पटवारी की सभा में अपना संबोधन दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह यात्रा जनता के मुद्दों को सुनने और समझने का एक महत्वपूर्ण मंच है। जीतू पटवारी ने अपने भाषण में कहा कि आजकल की शिवराज सरकार से हर वर्ग परेशान है और बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस की ओर से एक सुनामी में बह जाएंगे। उन्होंने सीएम के भावुक बयानों को लेकर कहा कि सत्ता को इतने साल तक निभाने के बाद छोड़ने का दर्द तो होता ही है। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि देश में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हों, शोषित हों या किसी अन्य वर्ग से हों। उन्होंने समाज में जातिगत और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपनी समर्थन दिया और सामाजिक समानता के महत्वपूर्ण मुद्दे को उज्जैन और सीहोर के लोगों के सामने रखा। वह यह साबित करते हैं कि वे राजनीति को जन की सेवा के लिए अपनाते हैं और समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं।